तो अब हम TRE-3 की बात करेंगे। TRE-3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था, वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE-4 होगा। और आप TRE-3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE-3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट मैं कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये इसका उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो TRE-3 है, और TRE-3 का ये मामला है जो है बता दिया मैंने, आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें, और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए SC ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्जाम होगा। और चूंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है इसलिए TRE-3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है, तो सिर्फ 2 विभाग होंगे। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोसीजर प्रावधान नहीं रखेंगे, हम लोग उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है, अगर कोई 11 12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE-4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE-3 में भी और TRE-4 में भी, दोनों में संभावित उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं तो ये बच्चे बैठेंगे TRE-4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो हमारे जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज्यादा आसानी लगेगा लोगों समझने में। तो मिसाइल का क्या कर रहे हैं सर? देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूं,
वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अपीयरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो डिग्री वो जिन जो जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर, 3 अटेम्प्ट मान लीजिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे इसके लिए, हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से